हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट टू थ्री वन फाइव तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं तो मैं आज आपको अलग अलग मतलब अलग अलग साइजेस के अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स बनाने सिखाऊंगी तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाए हैं कुछ भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है घर में पड़ी चीज़ों से ही मैंने इसे बनाया है और सबसे बड़ी बात है मैं इसमें आपको अलग अलग साइजेस बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ा साइज़ जिसमें आप अपने सूट्स वगैरह रख सकते हैं इसमें अपने शर्ट्स वगैरह हैं पैंट वगैरह हैं उनको आराम से तय लगा के रख सकते हैं बेडशीट रख सकते हैं छोटा बच्चा है तो उसके ब्लैंकेट्स वगैरह तय लगा के रख सकते हैं तो उसके बाद एक और साइज़ मैंने बनाया है दूसरे साइज़ का दो नंबर साइज़ है और इसमें आप फोल्ड करके जैसे बच्चों के पजामे हैं उनको रख सकते हैं लेगिंग रख सकते हैं बच्चों की पैंट कुछ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं तो उसके बाद मैंने बनाया थर्ड नंबर ये मैंने दो पीसीस बनाए जो थर्ड साइज़ के हैं इसमें बच्चों के अंडरवेयर्स वगैरह रख सकते हैं हैंकी रख सकते हैं बच्चों के स्कूल के सॉक्स आप एक ही जगह रख सकते हैं जिसे एक में सॉक से रख दी सारी और उसी में बेल्ट वगैरह टाई वगैरह एक अलग से बॉक्स में रख दी आप चाहें तो इन सारे ऑर्गेनाइजर्स को बच्चे के स्कूल के जैसे कपड़े वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाने वाली मैं ये सारे साइजेस तो आपको वीडियोस बहुत पसंद आएगी जरूर देखिएगा बहुत सिंपल और इजी तरीका है तो चलिए बिना डीले के हम आज की वीडियो का शुरू करते हैं चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पीस लाइनिंग बीच में राइस बैग और ऊपर मेन कपड़ा और पिनअप करने के बाद चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है और बीच में भी सिलाई लगानी है और इसे क्विल्ट करके सिंगल पीस बनाना है तो देखिए सिंगल पीस मेरे पास रेडी हो गया तो मैं तीन साइजेस बना रही हूँ इसमें अलग अलग तो मैंने तीन पीसेस सेम इसी तरीके से बीच में राइस बैग नीचे लाइनिंग डाल के रेडी कर लिए हैं सिलाई लगा के तो आपको भी तीन पीसेस रेडी करने हैं अब मैं वन बाय वन के मेज़रमेंट बताती हूँ तो पहले मैं इसमें नंबरिंग कर देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको आगे जाके तो तीन साइजेस हमारे इसमें बनने वाले हैं तो पहले लेते हैं फर्स्ट वाला इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं आप तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड वाला पीस इसके मेज़रमेंट ये भी मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं 19.5 पॉइंट फाइव इंच इंटू नाइन्टीन पॉइंट फाइव इंच और फिर हम लेते हैं लास्ट में थर्ड वन इसके मेज़रमेंट हैं 19.5 पॉइंट फाइव इंच और वर्थ में है ये थर्टीन इंच तो थ्री पीसीस के तीनों के मेजरमेंट बता दिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे करना क्या है तीनों पीसेस को आपको साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है इससे हमें इसमें वो पाइपिंग से फिनिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अंदर को फोल्ड करते हुए हमने तीनों पीसेस फिनिश कर लिए हैं देखिए तो अब मैं वन बाय वन आपको इसको स्टिच करना बताती हूँ तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर वन वाला पीस और बाकी के दो पीसेस हम साइड पे रख देंगे तो ये दो पीसीज रख दिए साइड पे और नंबर वन पीस ले लिया इसे आपको फोल्ड करना है और दोनों तरफ सिलाई लगानी है तो दोनों तरफ सिलाई लग गई अब हम बना लेते हैं बेस तो फ़ोर बाय फोर इंच का इसमें हमें बेस कट करना है तो दोनों तरफ हम निशान लगा लेते हैं फोर बाय फोर इंच का और उसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं तो ये हो गया कट बस अब आपको नीचे से इस तरीके से पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है तो ये हमारा बेस बन जाएगा दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो ये हमारी सिलाई लग गई तो बस ये हमारा ऑर्गेनाइज़र देखिए बिल्कुल रेडी हो गया तो ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला सबसे बड़े साइज़ वाला रेडी हुआ है तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और मैं आपको बताती हूँ सेकेंड नंबर वाला तो इसे भी सेम पहले बीच में से आपको फोल्ड करना है ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया फोल्ड करने के बाद हम इसका बेस बनाएंगे। पहले साइड वाली सिलाई लगानी है सिलाई लग गई अब हम इसका बनाएंगे बेस तो आपको मेज़रमेंट लेने हैं थ्री इंच और ऐसे टू पॉइंट फाइव इंच और ये भी हम पूरा बॉक्स शेप बना देंगे इस तरीके से सेम ऐसे ही निशान हमें इस तरफ भी लगाने हैं थ्री इंच और ऊपर की तरफ टू पॉइंट फाइव इंच निशान लगाने के बाद इसे भी हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद जैसे हमने पहले बेस बनाया था सेम वैसे ही पकड़ते हुए इसे भी स्टिच कर लीजिए इस पे भी सिलाई लगा लीजिए दोनों तरफ तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर वाला इसे भी हम सीधा कर लेते हैं सेकंड नंबर बन गया अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड नंबर के लिए तो थर्ड नंबर वाला ले लिया मैंने इसे भी सेम वैसे ही बनाना है बीच में से फोल्ड करते हुए साइड वाली सिलाई लगानी है दोनों वा तरफ वाली यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसका भी हमें बेस कट करना है तो ये भी आपको कट करना है थ्री इंच और ऊपर की तरफ लेके जाना है टू पॉइंट फाइव इंच तो दोनों तरफ इसी तरीके से निशान लगाते हुए हम इसे कट कर लेंगे इसे भी हम कट कर लेंगे और जैसे हमने पहले बेस बनाया था सेम वैसे ही पकड़ते हुए हम इसके बेस पे भी सिलाई लगा लेंगे तो वैसे ही पकड़ना है आपको और इस पे भी सिलाई लगा लेनी है तो देखिए हमारी सिलाई लग गई तो ये हमारा थर्ड नंबर भी रेडी हो गया अब हम इसे कर लेते हैं सीधा तो ये हमारे सारे पीसेज रेडी हो गए तो अब मैं आपको एक एक करके हर एक में कपड़े वगैरह रख के दिखाती हूँ कि फ़ाइनल कैसा है ये हमारा फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइज़र जो सबसे बड़े साइज़ का है तो देखिए इसमें आप कुर्ता वग़ैरह सूट वग़ैरह कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं बेड शीट्स रखना चाहें वो रख सकते हैं सारी इकट्ठे पिलो कवर्स रख सकते हैं अपने ब्लाउजेज़ रख सकते हैं साड़ी रख सकते हैं तो ये फ़र्स्ट वाला बड़े साइज़ का है और उसके बाद ये दूसरा साइज़ का है इसमें बच्चों की जेनिम्स होती हैं उनकी लेगिंग्स होती हैं टी शर्ट्स होती हैं तो कुछ भी स्टोर करने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही आ, सारे कपड़े हमारे इस ऑर्गेनाइज़र में भी आ जाते हैं तो उसके बाद मैंने बनाया थर्ड ये मैंने दो पीसेस बनाए हैं इसमें आप बच्चों के देखिए इस तरीके से छोटे छुट छोटे कपड़े जो होते हैं स्पैगेटी होती है उनके अंडरवेयर होते हैं वो रख सकते हैं और या बच्चों के स्कूल के जैसे एक ही जगह सॉक्स रखना चाहते हैं आप एक ही जगह बेल्ट वगैरह सारा सामान आप रख सकते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हैं देखिए बिल्कुल रेडी हो है अलग अलग साइज़ के ऑर्गेनाइज़र आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू